गाइस दिस इज समरा ट्रैवल द साइड ऑन रिसेंटली अभी यार एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ गाड़ी के फिर ट्रक वाले पीछे किसी ने अपनी गाड़ी मार दी और गाड़ी चलते हुए सीधे दूसरी साइड गई है लोग लिटरली लोग सेम ऑन यू गाइस सेम ऑन जो लोग मतलब देख रहे हैं उसको बाहर नहीं निकाल रहे ना कोई जब हॉस्पिटल जाने के लिए यार ये लोग वीडियोज बना रहे लिटरली तो जब कोई रेडी नहीं हुआ तो मैं भी वहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल ही जाना है तो मैं भी एज अ मेडिकल वर्क तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ माला हॉस्पिटल जहाँ पर मैं काम करता हूँ एमरजेंसी में और लिटरली इनके साथ मुझे नहीं पता कौन है कौन कब आएगा देखते हैं क्या हेलो गाइस मेरा नाम सोनू राणा एंड मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ मैं एक फिल्म मेकर हूँ लेकिन उससे पहले मैं एक पैरामेडिक्स हूँ और एक आम आदमी हूँ आप सभी लोगों की तरह तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद काफ़ी ज़्यादा क्लियर है अगर मेरे इस वीडियो बनाने से किसी एक बंदे की भी जान बच जाती है वो टाइम से हॉस्पिटल पहुँच जाता है तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का एम है वो पूरा हो जाएगा तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड ये वीडियो कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं होने वाला ये कोई एंटरटेनमेंट ब्लॉग नहीं वाला इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इस कहानी का मुद्दा ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरा दोस्त जैब रिश्ते देहरादून किसी काम से गए थे इवनिंग के टाइम पे एंड वापस आते टाइम हम देखते हैं कि कार में किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो सड़क की दूसरी साइड गिरे हुए थे कार के अंदर ही लेकिन बहुत सारे लोग थे उनके सामने वो उनकी फ़ोटोज़ खींच रहे थे वीडियोज बना रहे थे एंड मतलब कि पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस है एंड लोग हेल्प करने के बजाय उनकी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं उनकी वीडियोज़ बना रहे हैं तो मैं और मेरा दोस्त जेबिस्ट वहाँ से जा रहे थे हमने देखा पेशेंट को देखा एंड सबसे पहले तो मैंने उसकी ब्रीथ चेक करी कि वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको सांस चल रही है या नहीं चल रही है तो उसकी सांस चल रही थी मैंने लोगों को बोला कि यार प्लीज़ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना बंद करो एम्बुलेंस को कॉल करो तो उस भीड़ में से चार पाँच लोग ऐसे थे जो कि हेल्प कर रहे थे एंड जो मतलब साथ दे रहे थे हमारा भी तो उनमें से किसी एक बंदा ने एम्बुलेंस को कॉल करा लेकिन ये हिंदुस्तान है यहाँ पे एम्बुलेंस कभी टाइम पे नहीं पहुँचती एज यूजुअल तो हमने ट्राई करा कि कुछ भी करके किसी गाड़ी को रोक के पेशेंट को इमरजेंसी तक पहुँचाना है लेकिन जो बंदा गाड़ी रोकता है कार में वो बंदा हमें कहता है कि मेरी गाड़ी नहीं है और अभी इसकी पूजा नहीं हुई है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो उस टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार किसी बंदे की जान बचाने का मामला है और तुम्हें अपनी गाड़ी की पूजा की चिंता है किसी बंदे की जान बचाने से बड़ा क्या ही काम हो सकता है यार मतलब क्या बोल सकते हैं सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं सबके अपने अपनी सोच होती है तो अगली जो गाड़ी हमने रुकी वो बंदे ने गाड़ी रुकी एंड उनका नाम था हरि वर्मा एंड ही इज़ फ्रॉम रानी पोखरी एंड शाउट आउट टू दिस मैन उन बंदों ने गाड़ी रोकी उन्होंने कहा कि फटाफट से पेशेंट को गाड़ी में रखो और इमरजेंसी चलो तो हमने पेशेंट को गाड़ी के अंदर शिफ्ट कराया उस भीड़ में से चार पांच लोगों को हमने लिया जो हमारी हेल्प कर रहे थे हमने पेशेंट को गाड़ी के अंदर शिफ्ट कराया लेकिन उसके बाद ये सीन हो रहा था कि पेशेंट के साथ गाड़ी में जाएगा क्यों क्योंकि पेशेंट का मतलब एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें थी सर पर चोटें थी हाथ चोटें थी उनके शायद हाथ वाथ सब फ्रैक्चर हो गए थे तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि तो मैंने अपने दोस्त जय को बोला कि तू हेलमेट ले गाड़ी ले कि तू आ मैं जाता हूँ इमरजेंसी में एज अ पैरामेडिक्स मतलब हमें से कहा जाता है कि कैसे तुम मतलब कि किसी की हेल्प कर सकते हो अपनी स्किल्स एंड नॉलेज की वजह से तो मैं गाड़ी में बैठ गया उनके साथ अंकल के साथ एंड हम उन्हें शिफ्ट करने लगे तो आगे हम कुछ क्लिप्स दिखाने वाले हैं आपको जिसमें अंकल जी और मैं उस पेशेंट को लेके सीधा हॉस्पिटल में पहुँच गए इमरजेंसी में पहुँचे एंड देखो आप आगे उसके बाद आते हैं आप हमारे साथ एक अंकल जी हैं अंकल जी आपका नाम क्या है मेरा हाँ जी हरि वर्मा हाँ आप कहाँ के रानी पोखरी जा रहे हो ना आप तो रानी पोखरी ओके ठीक है अंकल जी शुक्र है आप आ गए हो वरना लोग तो जा रहे थे और कोई उठा भी गाड़ी वाले खड़े मेरे को बोला बोले यार हाँ चक रहे मतलब आजकल लोग ऐसे ही हो गए ना लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं पुलिस वाले बोल रहे हैं हम लाए भाई देखने कहाँ एक्सीडेंट हुआ थैंक यू सो मच अगर आप जैसे इंसान नहीं होता ना तो भैया क्या वो तो पेशेंट ठीक है इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये अभी जिंदा है ठीक ठाक हो जाए भगवान करे ठीक हो जाए ठीक तो है ये वैसे
अब इमरजेंसी में थोड़ा इनका देखने पड़ेंगे। और अभी इनके घर वालों का कुछ पता नहीं है ना, फोन नम फोन भी नहीं है इनके पास जो किसी को फोन करता है। इन पे नहीं है फोन? नहीं, इनकी जेब में फोन नहीं है, मैंने चेक कर लिया। इनके नंबर पूछ लो कोई अगर बता सके। हाँ, नंबर तो मुझे लगता नहीं इस हालत में होंगे। नंबर पता है आपको घर वालों का? हेलो भैया, नंबर पता है घर वालों का? भैया हेलो, अभी तो कुछ बोलने की हालत में नहीं है अंकल। नहीं है ना, चलो थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, आराम से लेटे रहिए आप, आराम से लेटे रहिए। हम पहुंच गया बानीवाला और 5 मिनट में मैं इमरजेंसी में होंगे। तो गाइस इसी तरह हमने पेशेंट को इमरजेंसी तक पहुंचा दिया एंड हमने अंकल जी का थैंक्स करा जिनकी वजह से पेशेंट सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गया। अगर हमें थोड़ा सा देर और होते तो क्या पता पेशेंट की जान भी जा सकती थी। उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा था सिर से एंड वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही थी, तो अगर थोड़ा देर और होता तो क्या पता पेशेंट की जान भी जा सकती। एंड ह्यूज शाउट आउट टू मिस्टर हरि वर्मा जिनकी वजह से हम पेशेंट को सही टाइम पर हॉस्पिटल पर पहुँचा सके। एंड उसके बाद हमने अंकल को थैंक्स करके उनको वापस भेजा। ठीक है अंकल जी, थैंक यू। That's the man, dude. तो उसके बाद आई स्टे देयर फॉर 2 आवर्स एंड मैंने उनकी फैमिली को फ़ोन करा, पेशेंट की फैमिली को फ़ोन करा, तो अराउंड 1.5 घंटे बाद उनकी फैमिली वापस आई वहाँ से। एंड उनकी फैमिली देहरादून रहती थी तो इस वजह से उन्हें 1.5 घंटा लगे ट्रैफिक की वजह से। एंड उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप इनका ख्याल रखें, दे थैंक मी। एंड उसके बाद मैं वहाँ से निकल के मैंने जैको बुलाया एंड उसके बाद मैं घर चला गया। एंड जब मैं घर आया एंड मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने अपना बैग कहीं खो दिया है जिसके अंदर मेरा सब कुछ था, वॉलेट था, कार्ड्स थे, ATM था, सब कुछ मेरा बैग के अंदर था। मेरा बैग मिसिंग है, पिछले 3 दिन से मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैग मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मुद्दा सिर्फ ये था कि मैं इस वीडियो के थ्रू मतलब काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेट इंस्पायर करना चाहता था कि अगर आप कभी सड़क के किनारे ऐसे एक्सीडेंट होते हुए देखो, कभी किसी के भी साथ हो सकता है, तो यार प्लीज़ फोटोज़ वीडियो बनाने वाली बेवकूफ़ी बाद में करना, पहले पेशेंट को सही ढंग से हॉस्पिटल पहुँचाओ, इमरजेंसी पहुँचाओ, एम्बुलेंस को कॉल करो। एंड अगर मेरे इस वीडियो बनाने से किसी एक बंदे की भी जान बच जाती है, अगर वो टाइम से हॉस्पिटल पहुँच जाता है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मुद्दा था वो पूरा हो जाएगा। एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करो, भले आप इस वीडियो को लाइक ना करो, चैनल को सब्सक्राइब ना करो, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि हर बंदे तक ये वीडियो पहुँचे। एंड ये मतलब ये इंसिडेंट एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, तो प्लीज़ यार हेल्प करना किसी की भी, ये 2 मिनट्स हेल्प कैन सेव समवन लाइफ। तो प्लीज़ यार अगर आप कभी सड़क में ऐसी चीज़ें देखो तो यार प्लीज़ बेवकूफ़ों की तरह फोटोज़ वीडियोस खींचना बंद करना एंड पेशेंट को सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचा देना, क्योंकि यार सेकेंडों में यहाँ पे जान चली जाती है पेशेंट की। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मुझे पता है जान जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड 2 सेकेंड भी नहीं लगते हैं, 2 सेकेंड में भी किसी की जान चली जाती है। तो प्लीज़ यार गाइस ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ पेशेंट को जब भी आप कुछ ऐसा देखो तो पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुँचाओ। बस यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। एंड बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड बाय बाय।